देशभर में जीका वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए करौली जिले का अस्पताल प्रशासन एवं जिला प्रशासन बिल्कुल सतर्क हो गया है। प्रशासन ने चिकित्सकों को अलर्ट कर दिया है, जिसके चलते जिला मुख्यालय स्थित स्वतंत्रता सेनानी शिवराज सिंह राजकीय सामान्य चिकित्सालय में जीका वायरस से ग्रसित रोगियों के उपचार के लिए अस्पताल में ICU के पास स्थित स्वाइन फ्लू वार्ड को जीका वार्ड में तब्दील कर दिया गया। स्वाइन फ्लू वार्ड को जीका वायरस वार्ड में बदला कर जीका मरीजों को राहत दी गई, तो अस्पताल में जीका वार्ड भले ही शुरू कर दिया गया हो, लेकिन अस्पताल में अभी तक एक भी जीका वायरस से ग्रसित रोगी नहीं आया, जिसका चिकित्सक ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। तो वहीं पीएमओ बाबूलाल ने बताया कि जीका वायरस का प्रकोप ज्यादातर जयपुर में ही देखने को मिला है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद है कि अभी तक करौली जिले में एक भी जीका वायरस से ग्रसित रोगी नहीं पहुंचा है। फिर भी अस्पताल में आ रहे पीड़ितों की विशेष जांच करवाई जा रही है। लैब में भी लक्षणों के आधार पर मरीजों की जांच की जा रही है और जीका वायरस के प्रकोप को देखते हुए अस्पताल में नए वार्ड की स्थापना कर दी गई है, जिसमें चिकित्सक और स्टाफ को भी लगाया गया है। सभी ANM स्तर पे और सभी हॉस्पिटल्स लेवल पे PHC CHC पर भी जो है व्यापक तैयारियां की गई है और पूरे अस्पताल प्रशासन इसमें अलर्ट है। करौली जिले में और आसपास तो कहीं कोई पॉजिटिव केस भी नहीं है। ये जयपुर में केसेस पाए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अलग से हमने वार्ड बना रखा है स्वाइन फ्लू का, उसी में से अभी ऐसा कोई स्वाइन फ्लू का केस नहीं है। और कोई केस आएगा तो हमने